टाइम कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम में 60-65 रुपए पेट्रोल का भाव हुआ करता था। मोदी सरकार ने लोगों को झूठे आश्वासन दिए कि इसके आधे दामों में हम आपको पेट्रोल डीजल गैस देंगे। आज आप देख रहे हैं कोरोना महामारी से लोग पहले से परेशान हैं, लोगों को नौकरियाँ नहीं है, लोगों के रोजगार चले गए। ऐसे हालात में मोदी सरकार दिन ब दिन 1-2 रुपये का भाव बढ़ाते जा रहे हैं। आज पेट्रोल 100 रुपये के पास चले गया है, पेट्रोल ने सेंचुरी मार चुका है। पहले लोग कमाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल डाला करते थे, आज कमा रहे हैं गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए। ऐसी परिस्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। तो इसी को देखते हुए आज हम भाजपा सरकार का जो है तो झूठे आश्वासनों का पर्दाफाश करने के लिए एक विश्वासघात आंदोलन औरंगाबाद शहरी युवक कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर किया गया। नाम बताइए आपका। मुजफ्फर खान पठान, अध्यक्ष औरंगाबाद शहर जिला युवक कांग्रेस।